नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अचार के विषय में जो ना सिर्फ आपको बीमारियों से बचाएगा बल्कि कई सारी बीमारियाँ आपकी खत्म कर देगा। आपके शरीर में पाचन तंत्र को, श्वसन तंत्र को, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और ना सिर्फ इन दो सिस्टम को बल्कि बाकी सिस्टम को भी डिटॉक्स होने में, मजबूत रहने में, स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। और साथ ही साथ कई सारी ऐसी बीमारी जैसे कि टाइफाइड का बार बार होना, एलर्जी हो जाना, शरीर में कभी एक हिस्से में कभी दूसरे हिस्से में दर्द होना, हार्मोन से संबंधित परेशानियां, थायराइड, किडनी से संबंधित बीमारियां, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारियां जैसे श्वास लेने में परेशानी होना, बार बार कफ होना, साथ ही साथ यूरिन से संबंधित बीमारियाँ, पेट का सही से साफ नहीं होना, पेट का फूलना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, जोड़ों से कड़कड़ की आवाज़ आना, अचानक से रात में पिंडली जो है वो अकड़ जाना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, बारिश के मौसम में मतलब सीज़न के बदलते ही, हर सीज़न के बदलते ही बीमार पड़ना, स्किन डिसीजेस का होना, ऐसे कई सारी बीमारियों से। और हाँ, अगर आप महिला हैं तो महिलाओं की कई सारी बीमारियाँ जो होती है वो भी इस अचार से ठीक हो सकती है। क्यों हो सकती है, बड़े ध्यान से इसको समझिए। जो अचार मैं आपको बताने जा रही हूँ ये करेगा क्या, इसको बड़े ध्यान से समझिए। ये जो अचार है ये आपके प्राण शक्ति को बढ़ाएगा, और प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाएगा, तो इसमें जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी अग्नि को अच्छी करती हैं। और आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जिस इंसान की अग्नि मंद हो जाती है और जिसकी अग्नि मंद होते होते ख़त्म हो जाती है वही इंसान मर जाता है। तो जब हम अपनी अग्नि को अच्छी रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे, हमारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बीमारियाँ भी तब आती है जब अग्नि कम हो जाती है। अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से कहें तो जिसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है उसी को बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो आज जो मैं अचार बताने जा रही हूँ ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, और जब मेटाबॉलिज्म सही होगा तो पाचन भी अच्छे से होगा और शरीर को खाया पिया भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी बता देती हूँ कि किन लोगों को ये अचार नहीं खाना है, फिर मैं बताऊँगी आपको कि अचार में क्या चीज़ें डलती है और वो कैसे फ़ायदे देती है। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये अचार उन लोगों को नहीं खाना है जिनके शरीर से कहीं भी ब्लीडिंग होती हो, जैसे जिन लोगों को नाक से खून आने की परेशानी होती है, कान से खून आने की परेशानी होती है, कई लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स होता है तो उनको, और हाँ जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा मासिक धर्म जाता है उनको भी ये अचार नहीं खाना है, उनके लिए ये फॉर्मूला नहीं है। बाकी सब इस अचार का सेवन कर सकते हैं, और आप इसे करके देखिएगा, आपकी बीपी की परेशानी, हार्ट की परेशानी, किडनी की परेशानी, शरीर में कहीं भी अगर रोग है तो ये अचार आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। क्यों पहुँचाएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा आप। और सबसे पहले तो अभी आप ये जान लो कि ये अचार बनाते कैसे। तो इस अचार को बनाने के लिए आपको 5 इंग्रेडिएंट लेना है। पहला है अदरक, दूसरा है नींबू, तीसरा है सेंधा नमक, चौथा है काला नमक, और पांचवा है अजवाइन। राइट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अदरक लेना है। कितना लेंगे, 1 से 1.5 इंच ले सकते हैं, और उसको या तो कद्दूकस कर लीजिए, कीस लीजिए, या फिर उसको सुपारी जैसे टुकड़ों में बांट लीजिए, और उसके बाद उसमें इतना नींबू का रस डालिए कि वो अच्छे से भीग जाए, और फिर उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक और काला नमक डालिए, और 10 से 20 दाना उसमें आप अजवाइन डालिए। और ये प्रिपरेशन मैं आपको एक दिन के हिसाब से बता रही हूँ, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो बना के भी आप रख सकते हैं। अगर बना के रख लेंगे इस अचार को तो एक फ़ायदा और हो जाएगा कि जब ये अचार फर्मेंटेट हो जाएगा तो उसको जब आप लेंगे तो आपके शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी रहती है तो वो भी खत्म हो जाएगी, B12 आपका सही हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपके गट में प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत होती है वो भी मिल जाएगी। राइट, इसको कब खाना है बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको आपको दोपहर का जो आपका लंच होता है उस समय खाना है। लंच में भी कब खाना है, तो सबसे पहले इस अचार को खाना है। कितना खाना है बड़े ध्यान से समझिए। अगर आपने कद्दूकस करके इस अचार को बनाया है तो 1/4 चम्मच लीजिएगा, ठीक है, और अगर आपने सुपारी जितना टुकड़ा करके इस अचार को बनाया है तो 3 से 4 टुकड़ा आप ले सकते हैं, और इसको शुरुआत की रोटी में खाना है, और ऊपर से कुछ देर तक पानी नहीं पीना है, मतलब भोजन के शुरुआत में आपको इसको ले लेना है। राइट, और दिन में एक ही बार लेना है,
वो भी दोपहर के समय। तो अब इसको ध्यान से समझिए कि ये कैसे काम करेगा। तो इसमें डला है अदरक। अदरक कैसा होता है, नेचर में गर्म होता है, साथ ही साथ ये हार्ट के लिए टॉनिक होता है और ये बहुत सी बीमारियों से आपको बचाता है। इसमें डला है नींबू। नींबू आप जानते ही हैं विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है क्योंकि ये शरीर में बहुत से अलग अलग तरीके के एंजाइम्स को जनरेट करता है और मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी जगह विटामिन सी का यूज़ आता है, राइट। इसके बाद इसमें डला है सेंधा नमक। सेंधा नमक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हालांकि कम मात्रा में होते हैं लेकिन फिर भी शरीर में बहुत सारे मिनरल्स की ये पूर्ति कर देता है। साथ ही साथ पचने में हल्का होता है, कई सारी ऐसी चीज़ें जो अच्छे से नहीं पची है उसको ये सेंधा नमक पचा देता है और ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। किडनी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, मतलब श्वसन तंत्र और किडनी के लिए ये सेंधा नमक अच्छा होता है। इसके बाद काला नमक की अगर आप बात करें तो काला नमक जो है, मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताती हूँ कि काला नमक जो है आपकी बॉडी को एल्कलाइन रखता है, तो एसिडिटी से आपको बचाता है। साथ ही साथ अगर आपको डैंड्रफ की परेशानी है तो डैंड्रफ से आपको बचाएगा, आपके हेयर ग्रोथ को अच्छा करेगा, तो बालों से संबंधित परेशानी भी इस अचार से ठीक होगी। साथ ही साथ स्किन संबंधित बीमारियों में भी ये जो दोनों नमक है, सेंधा और काला नमक, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप इसका सेवन करेंगे तो स्किन की बीमारियों से भी बचेंगे और अगर कोई स्किन डिसऑर्डर है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इसके साथ इसमें पड़ती है अजवाइन, और अजवाइन के तो हजारों फायदे हैं। बॉडी को डिटॉक्स करना, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होना, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होना, साथ ही साथ बुखार को ठीक करने की इसमें बहुत अच्छी क्षमता होती है। और मैं आपको बताऊं, जब ये अचार आप खाएंगे तो धीरे धीरे आपकी खून की गंदगी साफ होगी, खून में जो RBC है, और ना सिर्फ RBC बल्कि WBC और प्लेटलेट भी बहुत अच्छे से बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो अदरक है वो बहुत अच्छे से, अदरक और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलजुल के बहुत अच्छे से आपके मज्जा धातु पे, मतलब बोन मैरो पे, फैट पे, आपके शरीर में जो फैट है उस पे, इसके साथ साथ आपके रस पे, मतलब आपके बॉडी में जो लिम्फ होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उन पे, और रक्त पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे इसके कारण होते हैं, इसीलिए अगर कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, BP की परेशानी है तो भी वो ठीक होती है, तो इसको आप यूज़ कीजिए, राइट। और हाँ, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, तो इसको ये समझिएगा कि हाँ वो एंजाइम्स को आपके बॉडी में बढ़ा रहा है, लार को आपके माउथ में बहुत अच्छे से बनने दे रहा है और डाइजेशन को अच्छा कर रहा है। तो डरिएगा नहीं कि मुझे बापरे इतनी भूख क्यों लग रही है, तो कंट्रोल में खाइएगा अगर ऐसा हो तो भी। और इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं, तो इसको अच्छे लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे 2 हफ्ते यूज़ करने के बाद बीच में कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं और फिर से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यूज़ कीजिए इस फॉर्मूले को और अपनी सेहत को बहुत अच्छा बनाइए। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, आप इसको कब से ट्राई करने वाले हैं, और लाइक करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। धन्यवाद।